स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रा मीनास के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि पॉलीहाइड्रा मीनास कितने टाइप्स का होता है और ये क्यों होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाए कि पॉलीहाइड्रा मीनास हम किस कंडीशन को कहते हैं, प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है जिसको हम पॉलीहाइड्रा मीनास कहते हैं। तो सिंपली लाउंड मैं आपको बता दूं कि पॉलीहाइड्रा मीनास का मतलब होता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ में जो पानी बढ़ जाता है उसी को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रा मीनास। अब ये किस वजह से होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके लिए आपको मेरी जो पहले की वीडियो है पॉलीहाइड्रा मीनास की वो देखनी पड़ेगी। फिलहाल आज हम देखेंगे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय में पानी अधिक हो जाता है तो उस दौरान क्या क्या करना चाहिए, कौन से मैनेजमेंट्स करने चाहिए और कौन सी मेडिसिन यूज करने चाहिए और फीमेल्स को कैसे हमको ट्रीट करना चाहिए। चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो सुपरफिशियली हम एक बार देख लेते हैं कि जो पॉलीहाइड्रा मीनास होता है कितने टाइप्स का होता है। तो पॉलीहाइड्रा मीनास होता है वो दो टाइप्स का होता है, इसके बारे में हम डिटेल में अपनी पहले की वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम पॉलीहाइड्रा मीनास की बात करें तो ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है अक्यूट पॉलीहाइड्रा मीनास एंड सेकेंड होता है क्रॉनिक पॉलीहाइड्रा मीनास। अब जो अक्यूट पॉलीहाइड्रा मीनास होता है ये कब होता है, अक्यूट पॉलीहाइड्रा मीनास होता है बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि अगर गर्भावस्था के 20 सप्ताह से पहले ही ऐसा देखा जाता है कि जो गर्भाशय है उसमें पानी अधिक हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे अक्यूट पॉलीहाइड्रा मीनास। वहीं पे जो क्रॉनिक पॉलीहाइड्रा मीनास होता है ये कब होता है, आफ्टर 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि गर्भावस्था के अगर 30 सप्ताह के बाद जो गर्भाशय है उसमें पानी बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक पॉलीहाइड्रा मीनास। अब जो अक्यूट पॉलीहाइड्रा मीनास होता है इसमें क्या होता है कि जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है अक्यूट। तो अक्यूट का मतलब होता है किसी भी चीज का तुरंत होना, तो जो पानी होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, तुरंत बढ़ता है, बहुत जल्दी जो फीमेल्स होती है उसका जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, यूट्रस होता है, वो फूल जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं अक्यूट पॉलीहाइड्रा मीनास। अब इसमें क्या होता है कि इसमें स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होने के चांसेस अधिक रहते हैं। और जो क्रॉनिक पॉलीहाइड्रा मीनास होता है इसमें क्या होता है कि जो पानी की मात्रा होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, स्लो स्लो बढ़ती है, तो इसमें जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है मतलब स्वतः जो फीमेल्स का एबॉर्शन होता है उसके होने के चांस कम रहते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, दोनों ही एक समस्या है, क्योंकि पॉलीहाइड्रा मीनास है गर्भाशय में अगर आवश्यकता से अधिक पानी हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है फीमेल्स के लिए भी और जो चाइल्ड होता है उसके लिए भी, तो दोनों में ही दिक्कत होती है। अब अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें कि जो पॉलीहाइड्रा मीनास की कंडीशन होती है उसमें हम कौन कौन से मैनेजमेंट करेंगे, तो मैनेजमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इसमें हमने रखा है माइल्ड पॉलीहाइड्रा मीनास एंड सेकेंड है सीबीएल पॉलीहाइड्रा मीनास। अब जो माइल्ड पॉलीहाइड्रा मीनास है उसमें क्या करना है, जो माइल्ड पॉलीहाइड्रा मीनास होता है इसमें क्या होता है कि पहले देखा जाता है कि जो गर्भाशय है उसमें पानी का लेवल कितना है। अगर पानी का लेवल अधिक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है माइल्ड, माइल्ड मतलब होता है किसी भी चीज का कम और सीवियर का मतलब होता है किसी भी चीज का अधिक होना, तो जो माइल्ड पॉलीहाइड्रा मीनास होता है इसका मतलब है कि इसमें किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर फीमेल्स को अर्ली प्रेगनेंसी है मतलब कि पहले के अगर उसको 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी है फिर 3 महीने की प्रेगनेंसी है उस दौरान अगर उसको गर्भाशय में पानी अधिक हो रहा है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसमें किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर उसके बाद भी उसके गर्भाशय में लगातार पानी बढ़ रहा है तो उस समय मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो माइल्ड पॉलीहाइड्रा मीनास है इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी तरह का फीमेल्स को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, बस फीमेल को हम सजेस्ट करते हैं कि वो अधिक से अधिक रेस्ट करे और प्लेंटी फ्रूट्स का यूज कम करे, मतलब जो अधिक पानी वो पीए, पानी
का लेवल थोड़ा सा कम रखे, कम पानी पिए और इसके साथ ही वो रेस्ट करे। इसके बाद अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो फिर वो डॉक्टर के पास जा सकती है, अदरवाइज उसको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब जो सीवियर पॉलीहाइड्रामनियास है इसमें क्या होता है, इसमें जो फीमेल्स होती है उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सीवियर पॉलीहाइड्रामनियास वाला मैनेजमेंट है ये अधिकतर तब किया जाता है जब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फीमेल्स को हो। अगर फीमेल्स को अक्यूट पॉलीहाइड्रामनियास या फिर क्रॉनिक पॉलीहाइड्रामनियास है तो उस दौरान उसको इस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, सीवियर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सीवियर ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सीवियर जो पॉलीहाइड्रामनियास है उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम मेडिसिन का यूज करते हैं, साथ ही जो फीमेल्स होती है उसको कुछ ऐसी पोजिशन बताते हैं और फीमेल्स को कुछ ऐसी डाइट प्लान बताते हैं जिससे उसका जो पॉलीहाइड्रामनियास की समस्या है वो कम हो सके। क्योंकि जो सीवियर पॉलीहाइड्रामनियास होता है इसमें जो प्रीनेटल मोर्टेलिटी होती है उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। अब अगर हम सीवियर पॉलीहाइड्रामनियास में मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो जनरल मैनेजमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फीमेल्स को फुली बेड रेस्ट बोलेंगे कि वो पूरी तरह से बेड रेस्ट करे। सेकेंड क्या करेंगे, सेकेंड होगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम कुछ जांचें करवाते हैं, किसकी, माँ की और बच्चे की, मदर एंड बेबी दोनों की हम जांच करवाएंगे। अब यहाँ पे जो माँ होती है और बच्चा होता है इसकी जांचें हम क्यों करवाएंगे, क्योंकि जब पॉलीहाइड्रामनियास की समस्या होती है तो उस दौरान कंजनाइटल एनोमलीज होने के चांस ज्यादा रहते हैं, मतलब बच्चे में जन्मजात विकृतियां होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट कराएंगे कंजनाइटल एनोमलीज। इन चीजों का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, जिससे हमको पता चल सके कि जो बच्चा है उसमें किसी भी तरह की जन्मजात विकृति तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके लिए भी हम फिर मैनेजमेंट करेंगे। और जो माँ है उसके वेलबींग के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि माँ की जो स्वास्थ्य की अवस्था है, स्वास्थ्य कंडीशन है, उसका जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, तो हम उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, जांचें करवाएंगे। थर्ड है प्रोवाइड एनाल्जेसिक ड्रग। अब यहाँ पे एनाल्जेसिक की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जब फीमेल्स के गर्भाशय में पानी अधिक होगा, जो पॉलीहाइड्रामनियास है उसकी समस्या होगी, तो इसकी वजह से जो उसका लोअर एब्डोमेन होगा और जो थाई होगी, इसके साथ ही जो बैक होगा, इन तीनों पे प्रेशर पड़ेगा जिसकी वजह से उसको एक प्रेशर वाला पेन होगा, एक दर्द होगा, उसके मसल्स में पेन्स होंगे। जैसे अगर ये यूट्रस वाला पार्ट है तो यूट्रस में जब पानी अधिक होगा तो यहाँ पे जो लोअर इसका पार्ट होगा, लोअर एब्डोमेन होगा, वहां पे एक खिंचाव रहेगा, एक तनाव जैसा महसूस होगा फीमेल्स को, जिसकी वजह से उसको एक दबाव वाला प्रेशर वाला दर्द होगा। इसके साथ ही थाई का जो ये लोअर वाला पार्ट है यहाँ पे भी उसको दर्द महसूस होगा। अब बैक साइड जो होता है बैक साइड भी उसको पेन फील होगा, क्यों, क्योंकि एब्डोमेन का साइज बढ़ रहा है। जब एब्डोमेन का साइज बढ़ेगा तो जो उसकी बैक बोन होगी उस पे भी तो प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको बैक पेन होता है। तो अगर ऐसा फीमेल्स को हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनाल्जेसिक यूज करेंगे। फोर्थ क्या करेंगे, फोर्थ इसमें आएगा टू डिटरमाइन लाई प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन ऑफ बेबी। इसमें हमको क्या करना है, जो हमारा जनरल मैनेजमेंट है इसमें हमको क्या करना है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि जो बच्चा है, बच्चे की जो लाई है, उसका जो पोजीशन है और उसकी जो प्रेजेंटेशन है, ये तीनों हमको पता करनी है। लाई क्या होती है और प्रेजेंटेशन क्या होता है, पोजीशन क्या होती है, अगर इसके बारे में आपको जानना है तो इसकी भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि लाई किसे कहते हैं, प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं और पोजीशन किसे कहते हैं। जनरल मैनेजमेंट में फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड इंडोमीथासिन टैबलेट्स। जो इंडोमीथासिन है ये टैबलेट्स हम फीमेल्स को देंगे। अब इंडोमीथासिन क्या करेगी कि इंडोमीथासिन जो फीमेल्स होती है
उसके ऊपर वर्क करती है। ये एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग भी है और साथ साथ ये एनाजेसिक का भी वर्क करती है। तो जो फीमेल्स को थाई पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है या फिर लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, उससे भी फीमेल्स को आराम देती है। और इसके साथ ही जो एमनोटिक सैक में एमनोटिक फ्लूड बढ़ रहा है उसको भी कम करने का काम करती है, क्योंकि ये एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है। तो ये क्या करती है कि जिस वजह से एमनोटिक फ्लूड बढ़ रहा है उन कारणों को ये इनहिबिट कर देती है, रोक देती है, जिसकी वजह से एमनोटिक फ्लूड कम होता है, मतलब उसका बनना भी कम हो जाता है। और इसके साथ ही जो फीमेल्स को दिक्कतें हो रही हैं उससे भी ये आराम मिलती है। तो जो पॉलीहाइड्रामिनास की समस्या होती है उसमें जो इंडोमिथासिन टैबलेट्स होती है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अभी तक हमने जो भी चीजें देखी है सब किसमें थी, ये सब कॉमन मैनेजमेंट में थी। अब सेकेंड हम देखेंगे डेफिनेटिव मैनेजमेंट, मतलब एक निश्चित मैनेजमेंट। निश्चित मैनेजमेंट हम कब करते हैं, जब कॉमन मैनेजमेंट फेल हो जाता है तब हम करते हैं डेफिनेटिव मैनेजमेंट। तो अभी तक हम देख रहे थे कॉमन मैनेजमेंट। कॉमन मैनेजमेंट फर्स्ट, कॉमन मैनेजमेंट एंड सेकेंड हम देखेंगे डेफिनेटिव मैनेजमेंट। डेफिनेटिव मैनेजमेंट कब करेंगे, जब कॉमन मैनेजमेंट फेल हो जाता है। तो जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है इसके भी 4 स्टेप है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप अप्लाई कर दिए डेफिनेटिव मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है। अगर पॉलीहाइड्रामिनास है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन मैनेजमेंट करेंगे। अगर कॉमन मैनेजमेंट फेल होता है तब हम डेफिनेटिव मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन मैनेजमेंट करेंगे। कॉमन मैनेजमेंट के थ्रू जो भी फीमेल्स होगी उसको क्या करेंगे कि उसकी जो भी समस्या है उसके समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर कॉमन मैनेजमेंट के थ्रू फीमेल्स को रेस्ट मिल रहा है तो फिर उसकी जो प्रेगनेंसी होती है उसको हम टर्म तक कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फिर इसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप हम कब फॉलो करेंगे, जब कॉमन मैनेजमेंट हमारा फेल हो जाए तब हम सेकेंड जो स्टेप होगा उसको अप्लाई करेंगे। सेकेंड में क्या होता है कि अब हम देखेंगे जो फीमेल का हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है। अब जैसे फीमेल बहुत ज्यादा एंजियस हो रही है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है, उसका जो पेन है, बॉडी पेन है या फिर बैक पेन है, थाई पेन है, वो सब बहुत अधिक बढ़ रहा है, वो डिस्ट्रेस हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब उसके लिए हम करेंगे एक प्रोसीजर जिसको बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस एक प्रोसीजर, ये इन्वेसिव प्रोसीजर है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एमनोटिक सैग होता है वहां से नीडल के थ्रू जो एमनोटिक फ्लूड होता है उसको निकाला जाता है। जैसे अगर ये पेट वाला हिस्सा है, ये एब्डोमेन वाला एरिया है, तो यहाँ पे क्या है, ये निबल हो गई, ये चारों तरफ क्या है कि एब्डोमेन है, इसके अंदर यूट्रस में एमनोटिक फ्लूड है। तो फिर क्या होता है कि जो एमनोटिक सैक होता है यहाँ तक नीडल पिक करके, नीडल डाल करके क्या होता है कि यहाँ से एमनोटिक फ्लूड को बाहर निकाला जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसी को हम बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। तो एमनियोसिंथेसिस के थ्रू जो फ्लूड होता है उसको बाहर निकाला जाता है। ये हम तब करेंगे जब कॉमन मैनेजमेंट फेल हो जाए। अब अगर एमनियोसिंथेसिस से जो फीमेल्स होती है उसको राहत मिल रही है तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे उसके टर्म तक, जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए। लेकिन अगर एमनियोसिंथेसिस के दौरान जो फीमेल होती है वो रिस्पॉन्स नहीं करती है, जैसे वो बहुत ज्यादा एनजीएस हो जा रही है या फिर ऐसी कंडीशन आ रही है कि जो एमनियोसिंथेसिस हम कर रहे हैं ये फेल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एमनियोसिंथेसिस अच्छे से ना होने की वजह से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर हम थर्ड स्टेप अप्लाई करते हैं। थर्ड स्टेप अप्लाई करते हैं, ये हम तब करेंगे जब एमनियोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसको करने के लिए हमको बार बार करना पड़ता है। जैसे अगर अक्यूट पॉलीहाइड्रामिनास है तो उसमें जो एमनोटिक फ्लूड है वो बहुत अधिक मात्रा में बनेगा और बहुत जल्दी बनता है, तो उस दौरान जो बच्चा होगा और माँ होगा दोनों को दिक्कत होगी और इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, तो मे बी फीमेल को और जो बच्चा होगा उसको कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो अगर एमनियोसिंथेसिस की जो भी प्रोसीजर है वो फेल हो गया या फिर जो माँ है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो फिर हम थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर। अब जो फीमेल होगी उसके प्रसव को हम करवा देंगे, लेकिन इसमें एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक की होनी चाहिए। 37 वीक से पहले हम जो लेबर होता है उसको इंडक्शन नहीं करवा सकते हैं, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद इसमें फोर्थ स्टेप क्या है,
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे। इसमें कंडीशन है कि हम किस अवस्था में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। अगर जो बच्चा है उसमें कंजेनाइटल एनोमलीज है या फिर माँ की जान को खतरा है, ऐसा लगता है कि अगर हम प्रेगनेंसी को आगे तक ले जाते हैं तो इसकी वजह से माँ को दिक्कत हो सकती है, तो उस दौरान हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, चाहे प्रेगनेंसी जितने दिन की हो, चाहे वो 27 वीक की हो या फिर 37 से कम हो या फिर 37 वीक से अधिक हो, हमको उसको टर्मिनेट कर देना है। तो ये कब होगा? ये लास्ट स्टेप है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट में आएगा कॉमन मैनेजमेंट। कॉमन मैनेजमेंट में हम देख चुके हैं कि हमको क्या क्या करना है। जो फीमेल है उसको फुली बेड रेस्ट देना है, उसके हेल्थ स्टेटस को चेक करना है, बच्चे की जांच करवानी है उसमें किसी भी तरह की कोई कंजनेटल एनोमलीज तो नहीं है। इसके बाद माँ की भी जांच करवानी है, जो भी बच्चा है उसका लाइफ पोजिशन और प्रेजेंटेशन को हमको जानना है। उसके साथ ही जो माँ होती है उसको एनाल्जेसिक मेडिसिन देनी है, इंडोमिथासिन देनी है। ये सारा मैनेजमेंट हम किसमें करेंगे? कॉमन मैनेजमेंट में। तो अगर कॉमन मैनेजमेंट हमारा सक्सेस है तो हम जो फीमेल की प्रेगनेंसी है उसको टर्म तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए वो नहीं हो रहा है, मतलब जो फर्स्ट हमारा कॉमन मैनेजमेंट है वो फेल हो जा रहा है, तो जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट का सेकेंड स्टेप है एम्नियोसिंथेसिस, हम इसको अप्लाई करेंगे। अगर एम्नियोसिंथेसिस भी हमको बार बार करना पड़ रहा है जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों को दिक्कत होती है, मे बी ब्लीडिंग हो सकती है या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर बच्चे को कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है, माँ को भी दिक्कत हो सकती है या फिर माँ इसमें सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फिर उस दौरान क्या होगा? इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर हम कब करेंगे? जब एम्नियोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर होता है वो फेल हो जाएगा, तब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 37 वीक से कम है तो मे बी जो बच्चा है वो सर्वाइव ना कर पाए। इसलिए कहा जाता है कि 37 वीक के बाद ही अगर हम चाहें तो इंडक्शन करवा सकते हैं, बच्चा डिलीवर करवा सकते हैं, मेडिकेशन के थ्रू करवा सकते हैं या फिर फोर्सेप के थ्रू करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से अधिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर 37 वीक से कम की प्रेगनेंसी है तो उस दौरान हम क्या करेंगे? उस दौरान हम इंडक्शन नहीं कर सकते। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जो सेकेंड स्टेप है एम्नियोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है उसी का सहयोग लेके, उसी के हेल्प से हम प्रेगनेंसी को आगे तक ले जाएं। अगर 37 वीक प्रेगनेंसी क्रॉस कर गई तो फिर हम उसका इंडक्शन करवा देंगे, लेकिन उससे पहले हम ये नहीं करवा सकते। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का उसमें भी कंडीशन है, ये हम कब करवा सकते हैं? अगर जो माँ और बच्चा है उन दोनों में किसी भी तरह की ऐसी दिक्कत है, जैसे अगर जो बच्चा है उसको कोई कंजनाइटल एनोमलीज है, मतलब जन्मजाति कोई विकृति है, तो उस दौरान चाहे जितने मंथ की प्रेगनेंसी हो चाहे जितने दिन की प्रेगनेंसी हो, तुरंत उसको हम टर्मिनेट करवा देते हैं। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये रखी जाती है कि माँ को अगर जान को खतरा है, अगर माँ की जान को खतरा है तो उस दौरान भी चाहे जितने दिन की प्रेगनेंसी हो उसको तुरंत टर्मिनेट करवा देते हैं। तो यहाँ पे चार स्टेप हम फॉलो करते हैं जब हम डेफिनेटिव मैनेजमेंट करते हैं। और कॉमन मैनेजमेंट क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से जो पॉलीहाइड्रामनियास होता है, पॉलीहाइड्रामनियास की समस्या होती है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं और माँ और बच्चे दोनों की जान को बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।